एंटी करप्शन की टीम ने जनपद बहराइच के नानपारा में डाक विभाग में तैनात डाक सहायक को अपनी ही कर्मचारी से 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डाक विभाग में तैनात कर्मचारी आजाद ने बताया कि उसके विभाग में सीनियर डाक सहायक के पद पर तैनात विनोद कुमार ने सस्पेंशन की बहाली के एवज में रिपोर्ट लगाने के लिए 2 लाख की मांग की थी। वही कर्मचारी से 20,000 की नकदी लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने सीनियर डाक सहायक विनोद कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। डाक सहायक गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? आजाद खान। कहाँ पोस्टेड हैं आप? किस पद पर? एडीटीएम। क्या मामला था आपका? हमारी 400 की सूची, उसी के लिए रिश्वत मांग रहे थे 2 लाख, जिसमें मैंने 20,000 रुपया इनको दिया था। किसने मांगी थी? विनोद कुमार ने। कहाँ शिकायत आपने की थी? CBI। आज क्या हुआ है? आज नंगे हाथ पकड़े गए। कौन पैसा दे रहा था? आप ही दे रहे थे या कोई और दे रहा है? मैं दे रहा था। कितना पैसा दे रहे थे? 20,000। कितने बजे कार्रवाई हुई है? लमसम 1 बजे। अभी वो किसके हिरासत में है? CBI के। ठीक है भाई, देखिए जैसा कि उन्होंने बताया, जो लोग आए हुए थे यहाँ पे, कि आपके कर्मचारी हैं, ये डाकघर जो हमारा है इसके बाहर जो एक सामने पान की गुमटी है वहाँ पे 20,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या नाम है इस कर्मचारी का? क्या कर्मचारी है? विनोद कुमार है नाम का। कब से यहाँ पोस्ट हैं? किस पद पे हैं? ये डाक सहायक के पद पे हैं और 3 साल के ऊपर तकरीबन पोस्ट हैं यहाँ पे। कितने बजे कार्रवाई हुई है? 12:30 से ऐसे ही लमसम कुछ टाइम का। अभी कहाँ पर है कर्मचारी? क्या आपको कुछ जानकारी दी गई है? नहीं नहीं, ये बगल में निरीक्षक का ऑफिस है, वहाँ पे तब से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो लोग इनसे पूछ रहे हैं। जो आप किस पद पर यहाँ कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पे कार्यवाहक पोस्ट मास्टर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। सुनना।